नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीसी न्यूज आईएनडी पर और मैं हूँ श्वेता। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन बुधवार को रामलला की चांदी की मूर्ति को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। दरअसल मूर्ति का वजन ज्यादा होने से चांदी की प्रतिमा को लेकर रस्म पूरी कराई गई, साथ ही गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। फिर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। रात में हेमा मालिनी द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। रामायण सीरियल में राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी अयोध्या पहुंचे। भोपाल से बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के 111 सदस्यों की टीम गुरुवार को अयोध्या के लिए रवाना हुई। टीम का शाम 6 बजे कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर सम्मान किया गया। टीम अयोध्या में अनूठी प्रस्तुति देगी। मध्य प्रदेश पर्यटन कराएगा निःशुल्क हवाई यात्रा। राज्य के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाद में प्रदेश सरकार तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से निःशुल्क अयोध्या लेकर जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे वेबसाइट bccnewsind.com पर लॉग ऑन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।